नमस्कार, रियल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मोनिका सोनी। आइए रुक करते हैं आज यानी कि 14 सितंबर 2021 की खास खबरों का। तालिबानियों के सत्ता पर काबिज होने के बाद कतर दुनिया का पहला देश बना है जिसने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान का दौरा किया है। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल तहानी तालिबानियों की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री अखुंड की गुजारिश पर काबुल पहुंचे। इस दौरान काबुल में कतर के विदेश मंत्री और तालिबानियों के बीच सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि कतर शुरुआत से ही तालिबानियों की पैरवी करता आया है, इसके लिए ये दौरा कोई खास मायने नहीं रखता। और इसके साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन इसी हफ्ते भारत में तैयार हुई कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। अब भारत में जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है उनमें कोविशील्ड स्पुतनिक को तो WHO की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन परीक्षण नतीजों से जुड़े डेटा के देर से प्रकाशित होने की वजह से अब तक कोवैक्सीन को संगठन से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले महीने ही कहा था कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी देने पर सितंबर अंत तक फैसला लिया जा सकता है। इस टीके को अभी तक किसी पश्चिमी देश की नियामक संस्था से भी मंजूरी नहीं मिली है। और इसी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस का सोमवार को निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। 80 साल के ऑस्कर फर्नांडिस लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और मंगलुरु के अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। महान ज्ञान और दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे। वो कांग्रेस के सबसे दयालु और वफादार सैनिकों में से एक थे। ईश्वर नेक आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। और इसी के साथ गुजरात के मनोनीत नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से एक साल पहले भूपेंद्र पटेल को राज्य की जिम्मेदारी देना भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला माना जा रहा है। भूपेंद्र पटेल जैसे नया नाम हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। और इसी के साथ बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ की आगामी फिल्म टाइगर 3 खूब चर्चाओं में है। इस फिल्म का दर्शकों को भी बेसब्री से इंतजार है। टाइगर सीरीज की इस फिल्म की शूटिंग तुर्की में चल रही थी जो कि अब पूरी हो गई है। तुर्की से पहले टाइगर 3 की फिल्म की शूटिंग रूस में हुई थी। उस वक्त सलमान खान को अपने फैंस के साथ सेल्फी लेते हुए देखा गया था। तुर्की में भी फिल्म की यूनिट और अभिनेता सलमान खान एवं कैटरीना कैफ खूब मस्ती करते हुए दिखे हैं। कुछ दिनों पूर्व सलमान और कैटरीना ने तुर्की की सैर की थी और वहाँ के नेता मेहमत नूरी से भी मुलाकात की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए ए रियल न्यूज़। नमस्कार।